जिस तरह से कविता के माध्यम से ये राष्ट्रभक्ति को उजाला दे रहे हैं, तो आपकी पुस्तक कब आने वाली है और उसका मुंबई में विमोचन करेंगे क्या आप? मेरा सौभाग्य होगा अगर मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहजी भोंसले की भूमि से मेरी किताब लॉन्च होती है और देश के लिए काम आती है। मैं 2019 की सोच रहा हूँ सर, 2019 में पब्लिश करूंगा और काफी सारी लोगों को उसमें प्रेरणा मिलेगी और हमारे नए युवा उसमें, मैंने कोशिश की है कि हम सिर्फ अच्छाई के पहलू को देखें, नेगेटिविटी हम अपने अंदर ना लाएं, क्योंकि किसी ने बहुत खूब लिखा है, बड़ी अच्छी लाइनें बोली है कि अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आप लोग बहरे बन जाओ, क्योंकि कुछ एक लोगों के सिवा बाकी सारे लोग आपका मनोबल गिराने में ही लगे रहेंगे। सही बात है। तो हमें सिर्फ अच्छी बातों को याद करके, उन अच्छी चीजों के बारे में सोच करके हमें अपने देश को आगे ले जाना है और भारत को आगे ले जाना है, और भारत माता के लिए हमें भी बहुत कुछ करना है। हमारा देश 125 करोड़ देशवासी है और हम लोग, बहुत बड़ा लोकतंत्र है भारत विश्व का, और लेकिन हमारे बीच में कुछ एक ऐसे तत्व हैं जो एंटी स्टेटमेंट्स देके, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी लोग एक हैं, जहाँ तक अगर ऐसी बात आती है हमें ऐसी छोटी सोच से ऊपर निकलने की, जो अच्छा काम कर रहा है वो चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो उसको अप्रिशिएट करो ना, जरूरी नहीं है कि उसको ऐसे बोल रहे हैं इसने ऐसा कर दिया, ये हिंदू है मुस्लिम है सिख ईसाई, ऐसी बातें क्यों होती है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा देश एक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी लोग एक नई सोच के साथ अपने से भारत को विश्व गुरु बनाएं और दुनिया के मतलब नंबर 1 कंट्रीज में लाएं। जी, बहुत ही अच्छा।